झलक ब्यूटी क्रीम पे कंप्लीट रिव्यू करने वाली हूँ और इस पे इसके इंग्रेडिएंट्स पे डिटेल दूंगी, साथ में आपको ये बताऊंगी कौन से स्किन टाइप वाले इसे यूज कर सकते हैं, आप इसे लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हो नहीं कर सकते हो, और इसको कब यूज करना चाहिए और स्किन के लिए बेनिफिशियल है या नहीं, प्राइस क्या है, यूजेस, साइड इफेक्ट्स, एवरी चीज इस पे डिस्कस करूंगी। वीडियो को एंड तक वॉच करना। अगर जो आप फ्यूचर में इसको यूज करने का सोच रहे हो तो आपको उससे पहले अगर कुछ जानकारी होगी तो शायद आप इसको बेहतर तरीके से लगा सकोगे, बेहतर तरीके से यूज कर सकोगे। हो सकता है आपकी स्किन के लिए मैचेबल ना हो, तो क्या पता कि आप इसे यूज ना करो। आप माइंड में सोच रहे हो कि यार मुझे यूज करना है, लेकिन आप कोई आपके सामने ये वीडियो आ गई है, आप इसे कंप्लीट वॉच करोगे तो ये आपको प्रॉपर गाइड मिलेगी और आप इसको लाइक अच्छे से प्लान कर पाओगे अपनी स्किन से रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो गाइस, झलक ब्यूटी क्रीम इस तरह की क्रीम होती है और ये एक पाकिस्तानी क्रीम है। वैसे तो ये इंडिया में भी मिल जाती है, नेपाल में भी मिल जाती है और बांग्लादेश में भी मिल जाती है। ओवरऑल जो यहाँ पे ऑडियंस है मेरे पास लाइक इसी टाइप की ऑडियंस है जो कि हमारे जैसी लैंग्वेज बोलती है, लाइक उर्दू, हिंदी, समथिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पर ना गाइस, इनकी जो पैकेजिंग है वो थोड़े से ग्रीन और लाइक शाइनी सा बॉक्स होता है, कैमरा फ्रेंडली भी नहीं होता है, ये कैमरा के ऊपर भी काफी शाइन पड़ रहा होता है। तो ओके, देखने के हिसाब से अगर ठीक है तो वेल एंड गुड एंड नॉर्मली, बट कैमरा फ्रेंडली नहीं है। ओके, तो ग्रीन कलर के साथ ये कंट्रास्ट देते हैं हल्का सा लाइट कलर का। क्रीम को अगर हम बोलते हैं तो अंदर से कुछ इस तरीके की नजर आती है। बाजूगत गर्मियों में जब आप इसको परचेज करते हो तो हल्का सा ऑयल, हल्का सा बिल्कुल लाइट सा ऊपर आपको नजर आएगा, जैसे मक्खन के ऊपर नजर आता है, ठीक है। फ्रेग्रेंस वाइज ओके है, मतलब बुरी भी नहीं है और इतनी ज्यादा मतलब अच्छी भी नहीं है, बहुत स्ट्रांग होती है। पाकिस्तानी क्रीम्स की जितनी भी क्रीम्स है उनकी जो स्मेल होती है, लाइक खुशबू होती है, वो बहुत स्ट्रांग होती है। ये एक अट्रैक्शन पॉइंट होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत सारे लोग 95% भी बोल सकते हैं कि खुशबू से ही लोग अट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो परफ्यूम हो, क्रीम्स हो, पाउडर, लोशन, मॉइस्चराइजर, एवरीथिंग, ठीक है। बट बहुत सारे जो सेंसिटिव स्किन वाले लोग होते हैं उनके लिए फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं होती है, उनकी स्किन पे इरिटेशन, खारिश वगैरह करती है, ठीक है। इसी वजह से फ्रेग्रेंस इसके अंदर जो डाली जाती है वो भी एक्चुअली में एक केमिकल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्रीम की मैंने स्मेल पे आपको बता दिया कि ओके है, अच्छी है, स्ट्रांग होती है। बाकी जिनको एलर्जी है खुशबू से, मुझे तो है, ठीक है, जिन लोगों को होती है उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि थोड़ी सी स्ट्रांग स्मेल है, ठीक है। बाकी ओवरऑल क्या काम करती है वो मैं आपको बता देती हूँ। गाइस, पाकिस्तानी क्रीम्स का लाइक एजेंडा आप लोगों को मालूम है कि क्या होता है, लाइक व्हाइटनिंग क्रीम्स होती है वो, ठीक है। आपके स्किन को व्हाइट करती हैं, आपके स्किन को क्लीन करती हैं, आपके स्किन को ब्राइट करती हैं और आपके स्किन को एक अच्छा लुक देती हैं। अब बहुत सारे लोग गाइस ऐसा समझते हैं कि पाकिस्तानी क्रीम्स ना बहुत नुकसानदेह होती हैं, बहुत ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं। हम बहुत सारी ऐसी थेरेपियां भी करवाते हैं जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, ऐसी सर्जरीज करवाते हैं उसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। कॉस्मेटिक्स के तरफ आप जब जाते हो और जब आप इन सब चीजों को करते हो, लाइक टोटली इन सब चीजों को फॉलो करते हो, तो इसके अंदर आपको हर जगह पे कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स मिलता है। बड़ी से बड़ी कंपनी जो महंगे से महंगे प्रोडक्ट देती है उस कंपनी से भी कभी कभार बाजुकान ऐसी सेंसिटिव स्किन होती है जिसपे आपको इरिटेशन, खारिश वगैरह हो जाती है। आप लॉरियल कंपनी के प्रोडक्ट्स देख लो, उनपे वो मेंशन करते हैं कि आपको किसी भी किस्म का इरिटेशन वगैरह होता है 24 आवर्स के दौरान, तो आप इसको लगाना छोड़ दो। बहुत ऐसे ब्रांड्स हैं, मैंने लाइक बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स देखे हैं जिन पर रिसर्च की है, उससे भी लोगों को इरिटेशन, खारिश या स्किन सूज जाती है, ऐसा होता है, ठीक है। अब पाकिस्तानी क्रीम्स के ऊपर ना एक टैग लगा हुआ है कि इसमें मरकरी होता है, जबकि बॉक्स में कहीं मेंशन नहीं होता। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप उठाकर लगा लो, ऐसा मैंने नहीं बोला, ठीक है। मैं आपको जस्ट एक क्लियर कर रही हूँ, जो चीज है मैं उसको क्लियर कर रही हूँ, जो एकदम रियल चीज है उसको मैं क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही पाकिस्तानी क्रीम के अंदर लोग कहते हैं मरकरी है, बहुत लाइक लोगों ने इस पर रिसर्च की है। अच्छा, ये काफी जगहों पर बैन भी है पाकिस्तानी क्रीम्स, ठीक है। इसके बावजूद भी लोग यूज करते हैं, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, रंगोरा करते हैं, क्लियर करते हैं, स्किन साफ भी हो जाती है। बट गाइस, बहुत सारी ऐसी चीज होती है जिसको हम भूल जाते हैं कि हम अपने डाइट के अंदर भी ऐसी चीजें खाते हैं। हम इन क्रीम्स के अलावा भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, फेशियल करवाते हैं, खुद से कर लेते हैं, हम बहुत सारी ऐसी चीजें यूज कर रहे होते हैं एज ए मिक्स कॉम्बिनेशन करके, जिससे अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता भी है तो समथिंग 2-3 प्रोडक्ट्स मिलाकर भी हो सकता है, बट हम एक चीज के ऊपर इल्जाम दे देते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज तो ये ना मुझे इस कंपनी ने कोई प्रमोट करने के लिए पैसे दिए हैं, ये मैं नॉर्मल आपको एक रिव्यू, फेयर रिव्यू बता रही हूँ कि पाकिस्तानी क्रीम्स के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं होता है इंग्रेडिएंट्स के अंदर कि इन्होंने कोई मरकरी जैसा एलिमेंट डाला है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। तो ये क्या काम करती है, स्किन को रीजेनरेट करती है, डैमेज से बचाती है, जो टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं उससे बचाती है, मेकअप पार्टिकल्स वगैरह से जो डैमेज होते हैं, रिंकल्स फ्री करती है स्किन को। वैसे पाकिस्तानी क्रीम की खास बात ये तो बता दूं मैं आपको, बहुत ज्यादा ऑयली होती है और जितने भी ऑयली चीजें आप प्रोडक्ट यूज करते हो, अगर आपकी स्किन ड्राई और नॉर्मल है तो उससे आपकी स्किन
टाइट रहती है। मसाज ऑयल ले लो, सीरम्स ले लो, जेल फॉर्म ऑयल ले लो, सब स्किन टाइटनिंग के लिए यूज किए जाते हैं, चाहे वो कोरियंस हो, चाहे वो ऐसा बोल सकते हैं आप चाइनीज हो, चाहे वो जैपनीज हो, वो सबसे ज्यादा अपनी स्किन के ऊपर ऑयल और ग्लो का ही यूज करते हैं, क्योंकि उससे स्किन टाइट रहती है, फ्लेक्सिबल रहती है, रिंकल्स फ्री, फाइन लाइंस फ्री रहती है। ठीक है, तो ये बहुत थिकी होती है, मतलब स्टिकी होती है थोड़ी सी, और थिक फॉर्म में भी होती है। ठीक है, यूवी रेस से आपको बचाती है क्योंकि इसमें एसपीएफ ये लोग देते हैं। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स इन्होंने ऐसे ऐड किए हैं जो कि आपको यूवी प्रोटेक्शन से बचाते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्लेमिशेस को, दाग धब्बों को कम करती है। इसमें नो डाउट गाइस, आपके स्किन के ऊपर दाग धब्बे हैं, आप पाकिस्तान की कोई सी भी क्रीम उठाकर देख लो, बहुत सारी ऐसी क्रीम्स हैं जो कि आपको फेक भी मिल जाती हैं, क्योंकि डुप्लीकेट इतनी जल्दी बनती है। कोई भी चीज चल रही होती है यार, वो 10 रुपए की भी चीज क्यों ना हो, वो अगर वो वायरल हो जाए, वो बहुत ज्यादा चलने लगे, तो उसकी भी कॉपी बना लेते हैं लोग, उसे भी 8 रुपए में बेचना शुरू कर देते हैं कॉपी करके। ठीक है, तो यही चीज है। आपको अगर प्रोडक्ट ओरिजिनल नहीं मिलते हैं, जैसे कि संडे बाजार होते हैं, सैटरडे बाजार होते हैं ना, तो वहां पर इस तरह की चीजें फेक मिलती हैं, बट आप किसी अच्छे मॉल से, किसी अच्छी जगह से लेते हो, तो होपफुली कि उसका जो उनका जो टारगेट होता है वो आपको ओरिजिनल देना ही होता है। ओके, तो कलर कॉम्प्लेक्शन को इंक्रीज करते हैं, जो कि सबसे पहला काम होता है। दाग धब्बे, पिंपल्स फ्री, फ्रिकल्स फ्री, आपके स्किन को पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस फ्री करती है पाकिस्तानी क्रीम में। ये लाइक मैं दावे से कह सकती हूँ, बिकॉज इसके यूज से आपकी स्किन क्लीन हो जाती है। इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो क्लीनिंग का काम करते हैं। ठीक है, और इससे स्किन आपकी बिल्कुल क्लीन हो जाती है, क्लीन जब तक होती है, जब तक आप इसको यूज करते हो, लेकिन जब आप इसको यूज करना छोड़ देते हो तो आपका रियल कलर आ जाता है, बट आपके स्किन पे जो दाग धब्बे वगैरह होते हैं वो नहीं होते, बट रियल कलर आपका आ जाएगा जैसे पहले था। ठीक है, क्योंकि एक चीज आपने एक जैसे कि फिलर्स होते हैं, थेरेपीज होती हैं, वो जब तक ही रहते हैं जब तक उनका एक समय होता है, साल डेढ़ साल तक ऐसे ही, तो इसका भी समय होता है जब तक आप लगाओगे आपको रिजल्ट मिलेंगे। जैसे कि मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, आप लगाओगे आपको 12-13 घंटे तक मॉइस्चराइज रखेगी स्किन, नरम मुलायम सॉफ्ट रखेगी, ज्यादा से ज्यादा मान के चलो तो 20 घंटे। ठीक है, सॉफ्ट रखेगी, नरम स्किन को नरम रखेगी, लेकिन जब आप हाथ धोलोगे वो स्किन से हट जाएगी और वापस से आपके हाथ ड्राई हो जाएंगे, आप एकदम नॉर्मल लाइफ पे आ जाओगे। तो सेम टू सेम ऐसे ही होता है कि ये मेंटेनेंस होती है, आप अपने स्किन पे मेंटेनेंस देते हो। बालों के लिए तेल नहीं लगाओगे, गिरेंगे, झड़ेंगे, पतले हो जाएंगे, ऐसे ही होता है। जब तक मेंटेनेंस नहीं दोगे कोई भी चीज फलेगी फूलेगी नहीं। हम भी तो रोज खाना खाते हैं ना, पेट भरते हैं, हेल्थ अच्छी रहती है, हमारे अंदर ताकत रहती है, एनर्जी रहती है, बेबी केयरिंग करते हैं, प्लांट्स केयरिंग करते हैं, हर एक चीज की केयरिंग होती है, फेस की भी केयरिंग होती है। रंग गोरा करना चाहते हो तो रंग गोरा करने की क्रीम्स आप इस्तेमाल करो तो पंपलेट के अंदर लिखा होता है कि आप इसको कब तक यूज कर सकते हो, 1-2 वीक्स, जब तक कि आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल जाता। कंपनी आपको लिखती है, उनको मालूम है कि उन्होंने इसके अंदर केमिकल्स ऐड किए हैं और अच्छी अमाउंट में ऐड किए हैं। स्किन साफ हो जाए, क्लीन हो जाए, उसके बाद आप नॉर्मल कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज करो, लाइक वो एक मेंटेनेंस में शामिल हो जाएगी कि आपकी स्किन साफ है, आप उसको प्रॉपरली साफ रख रहे हो, मेकअप से बचा रहे हो, सनस्क्रीन लगा रहे हो, सन प्रोटेक्शन से बचा रहे हो, डाइट पॉल्यूशन से बचा रहे हो, तो आपकी स्किन नीट एंड क्लीन रहेगी। ठीक है, बट आप रंग गोरा करने वाली क्रीम को छोड़ने के बाद सब कुछ छोड़ देते हो तो फिर वो रंग काला ही होगा ना, और क्या होगा जब आप उसकी केयरिंग नहीं करोगे। ठीक है, अच्छा गाइस, अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बाद इसके इंग्रेडिएंट्स पे। तो इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहला इंग्रेडिएंट है अल्फा आर्बुटिन। अल्फा आर्बुटिन स्किन लाइटनिंग इंग्रेडिएंट है। कोई भी प्रोडक्ट उठाकर देख लो, अगर आपको अल्फा आर्बुटिन उसमें मिलता है तो समझ लेना कि ये स्किन लाइटनिंग इंग्रेडिएंट होता है। अच्छा गाइस, ये ड्राइड प्लांट से भी लिया जाता है, ब्लूबेरी हो गया, कैनबेरी हो गया, बेरबेरी हो गया, इससे लाइक ऐसे बोल सकते हैं कि ये वैसे ये स्किन लाइटनिंग एजेंट होता है, बट इसको जो सोर्स बताते हैं ना वो इसी तरह की बताते हैं। ठीक है, बाकी स्किन लाइटनिंग एजेंट है, पिगमेंटेशन को, स्पॉट्स को और एक्ने को आने से रोकता है, स्किन को डैमेज होने से बचाता है और मेलानिन की जो प्रोडक्शन होती है उसे कम करता है। ठीक है, बात करते हैं लिकोराइस एक्सट्रैक्ट की। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है इनका, इन्फ्लेमेशन को कम करती है, स्किन से रिंकल्स फ्री बनाती है, एंटीऑक्सीडेंट देती है। लिकोराइस तो ऑलरेडी अच्छी होती है, फेस मास्क भी लगाओगे आपको बहुत पसंद आएगा उसका। हाइपर पिगमेंटेशन को कम करती है, स्किन को व्हाइट करती है, ब्राइट करती है, एक्ने फ्री बनाती है और साथ में सन प्रोटेक्शन भी, लाइक सन प्रोटेक्शन नहीं बोल सकते, स्किन को हेल्दी बनाती है, स्किन को प्रोटेक्शन की। ठीक है, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है सोडियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट देता है स्किन के अंदर, स्किन को प्रोटेक्ट करता है, कोलेजन प्रोवाइड करता है, ब्राइटन करता है स्किन को और साथ साथ आपकी जो स्किन के अंदर लाइक एक्ने वगैरह होते हैं उसको भी कम करता है, एक्ने वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इंग्रेडिएंट, ठीक है, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड ऑल्सो एक अच्छा इंग्रेडिएंट है, स्किन को ब्राइट करता है, रंगोरा करता है, मतलब कि हाइपर पिगमेंटेशन कम करता है, स्किन की टेक्सचर को, कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाता है, रिंकल्स फ्री बनाता है, एक्सफोलिएट करता है, साथ में स्किन पे हाइड्रेशन भी देता है, स्किन को सॉफ्ट सपल बनाता है, डार्क स्पॉट्स भी कम करता है। बात करते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि है नेचुरल बीस वैक्स। नेचुरल बीस वैक्स का सिर्फ एक ही काम होता है, स्किन को सॉफ्ट करना, इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करना, एनहेंस करना, एगिंग साइंस को कम करना, स्किन को टाइट रखना। इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है, एंटी ऑक्सीडेंट होता है, एंटी बैक्टेरियल प्रॉपर्टीज होती है, बहुत सारी मतलब गुडनेस होती है बीस वैक्स के अंदर। वैक्स के अंदर तो बहुत अच्छी होती है, ड्राइनेस के लिए वैक्स सबसे सुपर डुपर होती है, क्रैक हील्स के लिए वैक्स और सरसों का तेल, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है जजुबा ऑयल, ऑल्सो स्किन के लिए
अच्छा इंग्रेडिएंट। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं एक्ने के लिए, एक्जिमा के लिए, इरिटेशन के लिए, खारिश के लिए। अब देखो गाइस, ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलके जब एक कॉम्बिनेशन बनता है तो आपको अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा भी होता है तो उससे आपको बचाने के लिए दूसरा इंग्रेडिएंट ऐड किया जाता है कि आपको ऐसी कोई खारिश ना हो, जलन ना हो या ऐसी कोई भी चीज ना हो जिससे आपके स्किन के ऊपर साइड इफेक्ट्स का कारण बने। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है एक्वा। एक्वा सनब्लॉक का काम करता है और कुछ और इंग्रेडिएंट है इसमें जो कि यूवी ए और यूवी बी ये लोग मेंशन करते हैं, साथ में एक्वा को भी मेंशन करते हैं। एक्वा का तो काम होता है आपको एज अ सनब्लॉक के अंदर भी होता है, सन प्रोटेक्शन आपको देता है, हाइड्रेट करता है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है, शील्ड की तरह काम करता है। सेंसिटिव स्किन के लिए थोड़ी बहुत इरिटेशन हो सकती है। बाकी यूवी ए और यूवी बी रेस इन्होंने लिखा है जिसके अंदर सन प्रोटेक्शन ही होते हैं, लाइक सन प्रोटेक्शन वाले ही इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा गाइज, इसके अलावा लास्ट में इन्होंने लिखा है फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस जैसे मैंने आपको बताया खुशबू होती है, ये भी एक केमिकल होता है, सेंसिटिव स्किन के लिए नहीं होता है। और बाकी इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव के इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि इन्होंने मेंशन नहीं किए। बाकी प्रिजर्वेटिव होते हैं क्योंकि स्किन जब आप कोई क्रीम को 2-4 साल तक रख रहे हो तो उसमें प्रिजर्वेटिव होता है। ठीक है, जब प्रिजर्वेटिव होता है तो वो भी केमिकल्स होते हैं और बाज औकात नहीं हमेशा सेंसिटिव स्किन के ऊपर साइड इफेक्ट्स होते हैं, इरिटेशन, खारिश वगैरह होती है प्रिजर्वेटिव से भी और जो सनस्क्रीन वाले एजेंट्स होते हैं उनसे भी कभी कभार हो जाता है। अच्छा गाइस, तो ये थे सारे इसके इंग्रेडिएंट्स डिटेल। बाकी इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से ओवरऑल ठीक है, बाकी फ्रेग्रेंस और इसके अलावा प्रिजर्वेटिव और जो सनस्क्रीन के लिए एजेंट्स यूज करते हैं ये उसमें और जो स्किन वाइटनिंग एजेंट्स हैं ये वाले इंग्रेडिएंट्स स्किन पे इरिटेट करते हैं सेंसिटिव स्किन को, बाकी नॉर्मल ऑयली स्किन पे नहीं करते हैं और दूसरी स्किन सेंसिटिव स्किन पे करते ही करते हैं। ठीक है, ओके, तो ओवरऑल बाकी इसके प्राइस की बात करें तो आपको अंडर 300 पाकिस्तान में मिल जाएगी, इंडिया में भी आपको मिल जाती है इजिली, आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे अच्छे से तो भी मिल जाएगी। Amazon पे मिल जाती है बट Amazon के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा लोग कहते हैं फेक होते हैं, रिव्यू चेक कर लिया करो। बाकी ओवरऑल ओरिजिनल और फेक में क्या डिफरेंस है नेक्स्ट टॉपिक इस पे बनाऊंगी मैं, झलक ब्यूटी क्रीम पे कुछ टाइम में बनाऊंगी कि ओरिजिनल और फेक आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओवरऑल यूज करने का तरीका मैं आपको बता दूं, हमेशा पाकिस्तानी कोई भी क्रीम आप यूज कर रहे हो, व्हाइटनिंग क्रीम नाइट टाइम पे यूज करो, ये मेरा सजेशन है। 20+ है एज तब जाकर यूज करो, टीनेज में यूज मत करो, ये भी मेरा एक सजेशन है। आपका चॉइस है, आप यूज करना चाहते हो करो, इसके अंदर केमिकल्स होते हैं बट इसके अंदर मर्करी जैसा केमिकल नहीं है, बिकॉज उन्होंने मेंशन नहीं किया, मेंशन किया होता तो उस पर भी मैं आपको रिसर्च करके देती हूँ। ठीक है, इसके अलावा आप इसको नाइट टाइम पे लगाओ, पीस के दाने के बराबर कंपनी आपको लिखती है, पर्ल या पीस के दाने के बराबर आपने लगानी है, हल्का हल्का लगा के टैप टैप करके छोड़ दो, एब्जॉर्व हो जाएगी। थोड़ी सी ऑयली होती है, रात के टाइम पे लगाओ, फैन के नीचे बैठ जाओ, एब्जॉर्व हो जाएगी। ठीक है, बहुत ऑयली तो होती है। ठीक है, ओके, इसको आप लगा के सो जाओ, 7-15 डेज में कलर एनहेंस हो जाए, फेयर हो जाए, छोड़ दो। मॉइस्चराइजिंग क्रीम या कोई फेयरनेस क्रीम लगाते रहो जिसमें फेयर एंड लवली है, पॉन्ड्स है, स्किन वाइट ब्यूटी क्रीम है, पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी क्रीम है, बहुत सारी ऐसी क्रीम आती हैं जो आप लगा सकते हो। न्यूट्रोजेना की जेल है, बहुत अच्छी है वो आप लगा सकते हो, इससे स्किन मेंटेन रहेगी, कलर भी इनहेंस रहेगा। आप लगा के इसको छोड़ दोगे, डायरेक्टली छोड़ दोगे, कुछ नहीं लगाओगे तो रंग ने तो फिर वैसा ही होना है ना जैसे कि आपका था। ठीक है, तो मेंटेनेंस बहुत जरूरी होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, रिव्यू आपको पसंद आया होगा। गाइस, अगर आपको इतना सा भी रिव्यू पसंद आता है तो उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, रिसर्च की जाती है और बाज़ोकात कभी कभार ऐसा होता है हम रिसर्च करते हैं अचानक से लाइट चली जाती है, उसके बाद रिसर्च खराब हो जाती है, अगर हमने कभी कभार सेव नहीं किया होता। आप लोगों के लिए काफी मेहनत करते हैं, जस्ट आपसे एक्सपेक्ट करते हैं एक लाइक और एक सब्सक्राइब। ठीक है, अगर आप वो कर देते हो तो हमारे हौसला अफजाई होती है और अच्छा लगता है कि आपने हमारी मेहनत को सपोर्ट किया। ये वही लोग करते हैं जो कभी किसी से जेलस नहीं होते, उनको किसी के मतलब किसी से प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, हर किसी ने अपने नसीब का ही अर्न करना होता है या खाना होता है या जो भी होता है। ठीक है, वो उसके अपने नसीब का होता है, कोई किसी से छीन नहीं सकता, कोई किसी को दे नहीं सकता। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब आप लोगों के लिए एकदम फ्री होता है और फ्री चीज के लिए ना कभी भी देर नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए लाइक के बटन पे प्रेस कर देना। अब भी लोग नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो का लाइक एम गोल करती हूँ मैं, 300 लाइक्स होपफुली आप कर दोगे। पिछली वीडियो में लाइक प्रीवियस एक रिव्यू किया था उसमें मैंने 200 का गोल किया था, आप लोगों ने उससे भी ज्यादा कर दिए थे, थैंक यू सो मच। उम्मीद है इस पे भी इस गोल को कंप्लीट कर दोगे। इस गोल को कंप्लीट करोगे ना तो नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी से अपने रिव्यू की रिक्वेस्ट दे दो, जो भी रिव्यू कराना चाहते हो बहुत जल्दी लेकर आऊंगी, जिसके सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे ना उसके लिए सबसे जल्दी रिव्यू लेकर आऊंगी। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।